आज हम लोग एक नया एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, या इसे हम इंग्लिश में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि वर्गीकरण क्या है, क्योंकि यहाँ हम तत्वों से संबंधित बात पढ़ रहे हैं, इसलिए वर्गीकरण का परिभाषा हो जाएगा, समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में सजाने की विधि को हम तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। अब समझिए जरा सा कि आप जिस गाँव में रहते हैं, मान लिया जाए उस गांव को कितने भागों में बांटा गया, तो सभी जानते होंगे कि इस गांव में कितने वार्ड्स हैं, 9 वार्ड में बांटा गया है। तो कभी आपने इस बात को सोचा कि ये वार्ड्स में क्यों बांटे गए हैं गांव को? तो वार्ड्स में गांव को इसलिए बांटे गए हैं ताकि प्रशासन या शासन की जो इकाई है वह प्रत्येक घर तक पहुँच सके। चूँकि गाँव बड़े होते हैं, तो बड़े गाँव में किसी भी व्यक्ति का अगर पता लिखा जाए तो एक ही गांव में वह उस व्यक्ति के नाम का कई लोग हो सकते हैं, इसलिए वार्ड नंबर आ जाता है। वार्ड के बाद अगर शहर में आप जाएं तो घर का भी नंबर आ जाता है। इस प्रकार से वर्गीकृत कर दिया जाता है ताकि किसी भी व्यक्ति का पता ढूंढने में या किसी भी व्यक्ति को सरकारी लाभ पहुंचाने में दिक्कत ना हो। उसी तरह से जब हम तत्वों का वर्गीकरण करते हैं तो उसे हर एक वर्ग में सजाते हैं। क्यों सजाते हैं वर्ग में? वर्ग में इसलिए सजाते हैं ताकि हमें उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो, अर्थात अध्ययन में सुविधा हो। अध्ययन में कैसे सुविधा होगा? जैसे एक ही वर्ग के जितने तत्व होंगे, सभी तत्वों के गुण क्या होंगे? समान होंगे। एक ही वर्ग के जितने तत्व होंगे, उन तत्वों की संयोजकता क्या होगी उससे पता चल जाएगा। एक ही वर्ग के जो तत्व हैं वह धातु हैं या अधातु, वह पता चल जाएगा। एक ही वर्ग के जो तत्व हैं वह गैस है या क्या है, वह पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी बातों को जान सकते हैं, तो इसलिए इसका वर्गीकरण आवश्यक है। तो याद रखना है तत्वों का वर्गीकरण क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है, तो अध्ययन में सुविधा है तो इसकी आवश्यकता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रथम प्रयास किसने किया। तो याद रखना है तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रथम प्रयास किया था लेबोइजियन। तो लेबोइजर क्या किया कि इन्होंने तत्वों को उनके भौतिक अवस्था के आधार पर, उसके फिजिकल स्टेज पर, धातु यानी मेटल और अधातु यानी कि नॉन मेटल्स में इन्होंने वर्गीकृत किया। और वर्गीकरण करने का जो तरीका था, वर्गीकरण करने का जो आधार था, वह आधार था इसका भौतिक गुण। भौतिक गुण जैसे इसकी कठोरता, इसकी तन्यता, इसकी अघातवर्धता। लेकिन लेबोइजियन ने इनको जो तत्वों को जो बांटा, उसमें जितने भी ज्ञात तत्व होंगे 20-25 जो भी हों, उस तत्वों में थोड़ी सी परेशानी थी। क्या थी परेशानी? कि इन्होंने जब बांटा तो बहुत सारे तत्व धातु हो गए, बहुत सारे तत्व अधातु हो गए। अब दो तत्वों के गुणों की जरा सा तुलना करें, जैसे कि धातु में ही ले लेते हैं। धातु में एक तत्व है सोडियम, एक है सीसा और एक है लोहा। अब देखिए सोडियम क्या होता है, यह कठोर नहीं होते, जबकि हम क्या जानते हैं धातु कठोर होते हैं। इसे हम चाकू से काट सकते हैं, अर्थात ये कोमल है। इसे हम चाकू से नहीं काट सकते, ये कठोर है, यह भी कठोर है। दूसरा, इसे यह जब कठोर ही नहीं है तो आघातवर्ध और तन्य नहीं होंगे, यह भी आघातवर्ध और तन्य नहीं है। इसे जब मारेंगे तो यह टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन लोहा टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता। अर्थात ये जो वर्गीकरण था, यह वर्गीकरण का आधार तो सही था, लेकिन वैज्ञानिकों को इससे संतुष्टि नहीं हुई। अर्थात तत्व को जो दो भाग में बांटा गया था, धातु अथवा अधातु में, उस वर्गीकरण से वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं हुए और नए वर्गीकरण की ओर वैज्ञानिक चले गए। अब हम एक दूसरा वर्गीकरण पढ़ते हैं जिसमें तत्वों को वर्गीकृत किया गया, और वह वर्गीकरण है डोवेराइनर का जो वर्गीकरण था, वह वर्गीकरण था, इसे हम कहते हैं त्रिक नियम। याद रखना है इसको हम कहते हैं त्रिक नियम, या इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसको ट्राइड्स, TRIADS। तो इंग्लिश में बोला जाएगा डोवेराइनर का लॉ ऑफ ट्राइड्स, या डोवेराइनर क्लासिफिकेशन लॉ ऑफ ट्राइड्स, या हिंदी में बोलेंगे डोवेराइनर का त्रिक नियम। यह त्रिक नियम क्यों कहलाता है, तो याद रखना है, चूँकि यहाँ देख रहे हैं आप ये जर्मनी के थे और इन्होंने केमिस्ट्री में वर्गीकृत करने का प्रथम असफल प्रयास किया। चूँकि ये सफल नहीं हुए इसलिए मैंने कहा असफल प्रयास किया। क्या है कि इन्होंने प्रत्येक हर हमेशा तीन ही तत्वों को लिया, इसलिए इसे कहा गया त्रिक नियम ट्राइड्स। जैसे कि पहला लिया कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40, स्ट्रॉन्शियम का होता है 87.5 और बेरियम का होता है 137। अब समझते हैं दूसरा, इन्होंने फिर से एक लिया और त्रिक लिथियम, उसके बाद लिया सोडियम, उसके बाद लिया पोटेशियम।
उसके बाद एक और त्रिक लिया क्लोरीन, एक और त्रिक ब्रोमीन और एक लिया आयोडीन। अब इनका नियम क्या था, नियम को समझते हैं। इनका नियम था डेवोरेनर का नियम, जिसे हम ट्राइड्स बोलते हैं, TRIADS, याद रखना है, ट्राइड सही है, त्रिक नियम है। तो त्रिक नियम इसे क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने हर जगह तीन तीन तत्वों को लिया, चूँकि तीन तीन तत्वों को लिया इसलिए इसे त्रिक कहा गया। अब इनका नियम क्या था, तो इनका नियम था, याद रखना है, डेवोरेनर के समय में कुल ज्ञात तत्व 30 थी, कभी कभी प्रश्न आ जाता है, ध्यान आ गया तो इसलिए बोल दिए, तो 30 तत्व थे, और 30 तत्व में उन्होंने वर्गीकृत किया, क्लासिफाइड किसको किया, मात्र 9 तत्वों को। पहला फेल्योर यहाँ था कि 30 में उन्होंने मात्र 9 को ही किया। दूसरा क्या था, इनका नियम था कि यदि हम इस तरह तत्वों को सजा दें तो इसका, इसका और इसका, अगर हम देखें एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान, ये बढ़ते क्रम में, यानी यहाँ से यहाँ जो है ये, यह क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, या हिंदी में हम बोल सकते हैं आरोही क्रम है ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी सबसे कम कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, उसके बाद सबसे ज़्यादा हो गया बेरियम। तो इन्होंने क्या कहा कि इन तीन तत्वों में पहले और तीसरे वाले को जोड़ा जाए, यानी अगर एवरेज निकाला जाए 40+137 और एवरेज 2 है तो 2 से भाग दे दिए, तो 2 से भाग देने के बाद क्या मिलेगा, 7 7 1/2। तो 2 लिया तो भाग दें तो 8 × 16 और 8 × 16, यानी कि कह रहा था, इनका कहना था अगर इसको और इसके द्रव्यमान का औसत ज्ञात करें तो बीच के बराबर होगा, तो लगभग बराबर ही आया, 87.5 और 88.5 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए यहाँ तक इनका नियम सही था। उसके बाद आते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के, यहाँ भी वही नियम लगेगा, पहला और दूसरा का द्रव्यमान जो होगा उसको जोड़ेंगे, तीसरे के बराबर होना चाहिए, तो याद होना चाहिए सबको लिथियम का 7, मैंने क्लास 9 में ही सबको कहा था कम से कम 30 तक याद करना है, कम से कम 30 परमाणु संख्या तक। तो पोटेशियम का 39 और सोडियम का होता है 23, तो इसको भी निकाल के देखते हैं, तो इसका एवरेज अगर ले लें, यानी लिथियम सोडियम और पोटेशियम का एवरेज मास क्या आ जाएगा, 7+ ये क्या है 39, 39/2 और ये आ जाता है 46/2। तो ये जो कि फर्स्ट ट्राइड्स था, पहला त्रिक था, ये पूरा पूरी सही था। अब आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पर, तो सभी जानते होंगे कि क्लोरीन का कितना होता है, कहीं कहीं पर क्लोरीन का 35.5 भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर क्लोरीन का 35 भी लिखा रहता है, तो हम यहाँ पर 35.5 ही लेते हैं। फिर आता है ब्रोमीन, ब्रोमीन का कितना आएगा, ब्रोमीन का है 80 और आयोडीन का होता है 127। इसका अगर हम एवरेज निकालें तो 35.5+127/2 और जब इसका आप एवरेज निकालेंगे तो आ जाएगा 81.2। तो ये भी लगभग इसके बराबर है, यानी ब्रोमीन के बराबर 80 है और 81.2, तो कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। इस प्रकार से डेवोरेनर ने अपने त्रिक नियम को रखा, लेकिन त्रिक नियम सिर्फ 9 तत्वों पर ही लागू होता था, जैसा कि हमने पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि पहले उस समय में जिस समय डेवोरेनर ने अपना त्रिक नियम दिया, लॉ ऑफ ट्राइड्स रूल दिया, उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या 30 थी, 30 में उनके नियम के द्वारा मात्र 9 तत्व को ही वर्गीकृत किया गया, ओनली 9 एलिमेंट्स फॉलो दिस रूल। तो जब 9 ही तत्व फॉलो किया तो अन्य तत्व फॉलो किया ही नहीं, तो अधिकतर तत्व जब 9 ही फॉलो किया 30 में, तो अधिकतर तत्व इस रूल को फॉलो नहीं किया, और जब इस रूल को फॉलो नहीं किया तो अंततः सभी वैज्ञानिकों ने इस वर्गीकरण के नियम को, लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन को, वहीं पर त्याग दिया। अब हम अगला वर्गीकरण का नियम पढ़ते हैं। उसके बाद आया एक नया नियम जिसे हम लोगों ने नाम दिया न्यूलैंड का अष्टक नियम। अच्छा, एक बात और बताना भूल गए थे, डेवोरेनर का जो त्रिक नियम था वह 1817 में आया था, इस बात को ध्यान रखना है। अब आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का जो क्लासिफिकेशन था वह क्लासिफिकेशन थोड़ा सा दूसरे ढंग का था, और इसको भी ध्यान रखना है। और न्यूलैंड जो थे यह अंग्रेज वैज्ञानिक थे, अर्थात इनका संबंध ब्रिटेन से था, ये एक ब्रिटिशर्स थे, ये थोड़ा सा संगीत प्रेमी थे, और संगीत प्रेमी होने के कारण इन्होंने क्या किया, कहा कि यदि हम संगीत में 7 सुर लिखें, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही सा ही होगा,
सा रे, है ना, गा सा रे गा मा, है ना, प ध नी और अंतिम क्या आता है सा। अब गिनते हैं जरा सा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पचवा, छठा, सातवां और ये हो गया आठवां। यही इनका नियम था अष्टक रूल। अठवां रूल आठ है तो अष्टक रूल क्या हो गया, ये समझ लेना है इसको। तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, न्यूलैंड का कहना था यदि हम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास यानी कि उसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजा दें, जैसे यहाँ है सजा दें, तो सजा देते हैं। पहला क्या है, हाइड्रोजन, और जिस समय ये थे यानी कि इन्होंने ये वर्गीकरण नियम दिया था उसमें हम लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि नोबेल गैस का खोज नहीं हुआ था, तो हाइड्रोजन के बाद हम लोग हीलियम याद किए हुए हैं कि हीलियम नहीं लिखना है, हाइड्रोजन के बाद आ गया हीलियम, हीलियम लिखना नहीं है। हीलियम के बाद आएगा लिथियम, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ नहीं कुछ लिखना है, यहाँ फिर लिखना है। ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, सोडियम, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम थोड़ा सा इधर हो गया, मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आता है सिलिकन, फास्फोरस, उसके बाद आता है सल्फर, उसके बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आता है पोटेशियम, कैल्शियम। तो इस तरह से सारे तत्व आते हैं और जो तत्व होंगे वो आपके स्क्रीन पर दिखेगा थोड़ी देर बाद। तो इस प्रकार से इन्होंने तत्व को सजा दिया। अब सजा जब दिया तो इन्होंने कहा कि जब हम हिंदी में ऐसे ही सुर होते हैं सा रे ग म प ध, उसके बाद फिर से आता है नी, उसके बाद आता है सा, यानी कि पहला सुर और आठवां सुर मिल जाता है। अगर एक दो तीन चार पाँच छः सात तक हैं, आठवां सुर क्या हो गया सा। फिर यहाँ से चलें तो आठवां सुर देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये हो गया, यहाँ से चलेंगे, सॉरी गलती बोल दिए, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से गिनना होगा एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठवां रे हो गया। तो रे से चलते हैं आठ नंबर पर, फिर रे आता है, गा से चलते हैं फिर आगे चलेंगे और पीछे से आठ पर क्या आएगा गा आएगा। उसी तरह से हर एक तत्व अपने आगे के आठवें तत्व के गुणों के समान होता है, ऐसा इनका नियम था। तो इस प्रकार से उन्होंने वर्गीकृत किया और उस समय लगभग 56 तत्व थे। ध्यान रखना है इस बात को, कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर प्रश्न आता है कि मेंडलीव के समय में ज्ञात तत्व कितने थे, तो उस समय 63 तत्व थे, तो उसी तरह इसमें पूछ सकता है। तो उसमें 56 तत्व थे, उन्होंने 56 तत्व को सजा दिया। तो अब हम जरा सा इसके गुणों पर चर्चा करते हैं कि क्या इनके गुण समान हैं, और अगर समान हैं तो इनका नियम सही होगा। तो गुण देखते हैं, तो गुण क्या था, गुण देखते हैं पहले, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है, सभी को पता होगा गैस है ये। दूसरा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक ये इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। उसी तरह फ्लोरीन लें तो फ्लोरीन भी एक गैस है और साथ ही साथ इसका एटॉमिक नंबर 17 है। उसी तरह से अगर सॉरी फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो जाता है, गलती कर दी हमने, 9 होता है। और उसी तरह से अगर हम क्लोरीन लें तो क्लोरीन का होता है 17, वहाँ लिखा गया था। तो अब इसका अगर हम देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 2 7, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 2 8 और 7। तो हम क्या देख रहे हैं, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, तो अच्छा गुण मिल रहा है भाई। यही तो वर्गीकरण हम चाहते थे कि अगर एक तत्व के गुण को याद कर लें तो सारा हो जाए। दूसरा, ये अधातु है तो ये भी अधातु होगा, ये भी अधातु होगा, ये भी गुण मिल रहा है। दूसरा है संयोजकता की बात करते हैं, तो इसका संयोजकता एक है, इसका भी संयोजकता एक, इसका भी संयोजकता एक, यानी कि सारे गुण यहाँ पर मिल रहे हैं, अर्थात इनका जो वर्गीकरण था ये एक हद तक सही था। एक हद तक क्यों सही था, आगे हम बताएंगे, इनमें भी कुछ खामियां थी जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ कि एक हद तक सही था। तो HFCl तीनों के गुण अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, तो वर्गीकरण का यही तो फायदा था कि अध्ययन में हमें सुविधा हो जाएगी। अगर हम H के बारे में याद रखें, यह गैस है, इसकी संयोजकता एक है, तो हमें इन तीनों के बारे में याद हो जाएगा कि H का एक तो F का भी एक और Cl का भी एक। उसी तरह से ये नियम काम कर रहा था, लेकिन कहाँ तक, Cl तक, Ca तक ही काम कर रहा था। तो ऐसा जो इन्होंने नियम लगाया, नियम में क्या क्या गलतियां आई, अब हम गलतियों को देखते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया नियम क्या था, नियम यही था कि अगर हम तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाएं तो पहले तत्व का गुण आठवें तत्व के गुण से मिलेगा। जैसे ये पहला तत्व है तो आठवां तत्व गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः और इधर से आ गया
सात, सॉरी। तो जैसे हम गुण गिनते हैं, जैसे कि आठवें तत्व के बराबर होगा तो एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, तो आठ आएगा फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन इसके बराबर है। या इसी तरह से सोडियम का गुण किसके साथ मिलेगा, यहाँ से गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छः और यहाँ आ गया सात और यहाँ आ गया आठ, यानी सोडियम का गुण किससे मिलते हैं, पोटेशियम से। तो इस प्रकार से इनका यहाँ तक नियम सही था, अर्थात हल्के तत्वों के लिए, हल्का तत्व किसे कहा जाता है, जिसके परमाणु दरमियान कम हो, जिसके एटॉमिक मास क्या हो, कम हो, तो हल्के तत्व के लिए यह नियम एकदम सही था। तो गलतियाँ क्या थी, इनके जो लिमिट्स थे वो क्या थे, यानी कि कहाँ पर इन्होंने गलतियाँ की, इनके जो वर्गीकरण थे उसमें क्या क्या दोष उत्पन्न हो गया। तो पहला दोष ये था कि इनका जो नियम था यह सिर्फ कैल्शियम तक ही काम करता था, आगे कैल्शियम के आगे जितने भी भारी तत्व थे उस तत्व पर इनका यह रूल काम नहीं करता था। दूसरा इन्होंने क्या किया कि 56 यानी कि 56 तत्वों को तो सजा दिया और अपने आवर्त सारणी में आगे इन्होंने कोई स्थान खाली नहीं रखा, अर्थात इनका कहना था कि अब आगे कोई भी तत्व की खोज नहीं होगी, जहाँ पर ये गलत साबित हो गए, क्योंकि थोड़ी दिन ही बाद लगातार नए नए तत्वों की खोज होने शुरू हो गए, तो वहाँ भी इनका नियम गलत हो गया। दूसरा क्या गलती था इनके नियम का, इनके नियम में थोड़ी सी परेशानी क्या आ गई कि कहीं कहीं पर इन्होंने दो दो तत्वों को एक साथ रखा था, जैसे कि क्लोरीन के जस्ट नीचे, आपको स्क्रीन पर भी अब दिख रहा होगा, क्लोरीन के जस्ट नीचे निकेल और कोबाल्ट को रखा गया है, और कोबाल्ट और निकेल को रखा गया, इसी तरह से बहुत सारे तत्व रखे गए हैं आसपास में। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब इन दोनों तत्वों को रखा गया तो इसका गुण क्लोरीन से मिलना चाहिए, लेकिन इनके गुण और इन दोनों के गुण में बहुत अंतर है। कोबाल्ट और निकेल का गुण जो है वह लोहा से ज़्यादा मिलता जुलता है। लोहा से कैसे मिलता जुलता है, तो लोहा का जो गुण है वही गुण लगभग कोबाल्ट और निकेल का, वह भी ठोस अवस्था में पाया जाता है, या दोनों भी ठोस अवस्था में पाया जाता है, या अन्य सभी गुण उनसे मिलते जुलते हैं, इसलिए यहाँ रखा गया। तो ये गलतियाँ हो गई। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया था वह इसी प्रकार का आवर्त सारणी था, उसमें ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। 63 तत्वों को जब उन्होंने एक कागज़ पर लिखकर उनके विभिन्न गुणों को लिखा और विभिन्न गुणों के साथ सभी तत्वों को एकत्रित किया तो उन्हें इस प्रकार का एक आवर्त सारणी मिला। इसी को हम लोग मेंडलीफ का आवर्त सारणी कहते हैं। इस आवर्त सारणी में कुल 8 समूह और कुल 7 आवर्त हैं। सातवां आवर्त नहीं दिख रहा होगा, सातवां आवर्त चूँकि खाली था उस समय इसलिए सातवां आवर्त को दर्शाया नहीं गया है। अब हम बात करते हैं इसकी और विशेषताओं को। तो पहला विशेषता था जब आवर्त सारणी बनकर तैयार हो गया तो अध्ययन में सुविधा हो गई। दूसरा, आवर्त सारणी जब बना उसी समय इन्होंने 3 तत्वों के बारे में भविष्यवाणी की थी और कहा कि ऐसे तत्वों की खोज आगे होगी। वे तत्व थे बोरोन से मिलते जुलते एका बोरोन, एल्युमिनियम से मिलता जुलता एका एल्युमिनियम और सिलिकन के गुण से मिलता जुलता एका सिलिकन। बाद में इन 3 तत्वों का खोज हुआ और वही गुण पाया गया जो गुण मेंडलीफ ने बताया था और इन तत्वों का नाम एस्केंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम रखा गया। कुछ तत्व जैसे सोना और प्लेटिनियम के त्रुटिपूर्ण परमाणु भार का भी इन्होंने भविष्यवाणी किया था, जो बाद में चलकर वास्तविक में उनका त्रुटिपूर्ण भार निकला। उसके बाद में जाकर यहाँ पर एक ऐसे तत्वों की खोज हो गई जो जिसे हम नोबल गैस या अक्रिय गैस भी कहते हैं। अक्रिय गैस क्या होता है, जिसकी क्रियाशीलता नहीं होती है, जिसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है, अर्थात जो कम क्रियाशील होते हैं उसे हम अक्रिय गैस कहते हैं। और अक्रिय गैस का जब खोज किया गया तो उसे रख दिया गया 9 में। तो वर्ग 9 में जब रखा गया उसे और 9 में रखने के बाद सजाने के बाद इस आवर्त सारणी में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया। हीलियम आवर्त 1 का सबसे अंतिम यानी वर्ग 9 का और आवर्त 1 का अंतिम तत्व था। हीलियम के बाद आता नियोन और नियोन के बाद क्लोरीन के जस्ट सामने आता आर्गन। इसी तरह से हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनन, रेडन, क्रिप्टन ये सभी तत्व आते। तो इस प्रकार से ये जब तत्व खोजे गए तो आवर्त सारणी में थोड़ी सी भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इतनी विशेषताओं के बावजूद जब कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो इनमें अनेकों गलतियाँ को भी ढूंढ लिया गया। अर्थात अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीफ के आवर्त सारणी की दोष, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के दोष। तो चलिए शुरू करते हैं, मेंडलीफ में क्या क्या दोष था, आवर्त सारणी में क्या क्या दोष था। तो पहला दोष यहीं आपको दिख जाएगा, ये बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जब सजाया गया था तो आर्गन को देखते हैं,
आर्गन का परमाणु द्रव्यमान होता है 40 और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान है 39.102। अब आप देखेंगे कि आर्गन पोटेशियम से पहले है लेकिन आर्गन का द्रव्यमान उससे ज़्यादा है, अर्थात ज़्यादा द्रव्यमान वाले को पहले रखा गया, कम द्रव्यमान वाले को बाद। तो एक गलती यहाँ भी थी। दूसरा गलती था आयोडीन और टेलूरियम को। आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान है 126 और टेल्यूरियम का है 127। तो आयोडीन पहले होना चाहिए और टेल्यूरियम बाद में होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी थोड़ी सी गलती हुई। तो पहली गलती ये थी। अब दूसरे गलती को वैज्ञानिक ने ढूंढा। दूसरा गलती क्या था, तो दूसरा गलती को देखते हैं। दूसरा गलती था कि कॉपर, ये दिख रहा होगा आपको प्रथम समूह का जो तत्व है कॉपर, कॉपर चांदी और सोना, इसको हम लोगों ने हम लोग देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम और पोटेशियम के साथ रखा गया, जबकि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम ये सारे तत्व जो हैं ये सारे क्षार धातु हैं, और क्षार धातु के साथ हम ऐसे धातु को रख रहे हैं जिन धातु का गुण इनसे मिलता जुलता ही नहीं है। और हम पहले एक्सरसाइज में ही बता दिए हैं कि कॉपर की क्रियाशीलता अत्यधिक कम होती है, चांदी की भी कम होती है और सोना का भी कम होता है, ये मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हैं, अर्थात इनका गुण इन सभी से मिलता जुलता नहीं था, फिर भी इसको समूह एक का तत्व बनाया गया। तो दूसरी गलती इनकी ये थी। तीसरी गलती क्या थी, तो तीसरी गलती थी कि समस्थानिकों को स्थान नहीं मिला। समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिन तत्वों के परमाणु संख्या तो समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। तो अगर हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक को इस ग्रुप में रखा जाए तो हाइड्रोजन का पहला स्थान, हीलियम का दूसरा स्थान और लिथियम का तीसरा स्थान में 3 तत्व हाइड्रोजन के ही आ जाते हैं। उसी प्रकार से कार्बन के 2 समस्थानिक हैं, C6H12 और 6C14। तो 6 यहाँ 12 पर भी आ जाता कार्बन और 14 नंबर पर भी क्या आ जाता, कार्बन ही आ जाता। तो इस प्रकार समस्थानिकों को स्थान नहीं मिला। दूसरा, हाइड्रोजन का स्थान यहाँ इसमें निश्चित नहीं था, क्योंकि हाइड्रोजन का गुण धात्विक भी होता है और अधात्विक भी होता है, इसलिए हाइड्रोजन के गुण धातु से भी मिलते जुलते हैं और अधातु से भी मिलते जुलते हैं, इसलिए हाइड्रोजन के गुण को ये सही स्थान नहीं मिला हाइड्रोजन को। इस प्रकार से इनमें अनेक त्रुटियाँ पाई गई। इन्हीं त्रुटियों को देखते हुए बाद में सही वैज्ञानिकों ने एक नए आवर्त सारणी के निर्माण करने का प्रयास किया, जिसके कारण मेंडलीव के आवर्त सारणी को छोड़ दिया गया।